गणतंत्र दिवस देश में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। बता दें कि संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। गणतंत्र दिवस से जुड़े 5 तथ्य। 1, देश में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। यह परेड 8 किमी की होती है और इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है। उसके बाद राजपथ इंडिया गेट से होते हुए ये लाल किला पर समाप्त होती है। 2, 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ के बजाय तत्कालीन इरविन स्टेडियम में हुई थी। उस वक्त इरविन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारी नहीं थी और उसके पीछे लाल किला साफ नजर आता था। 3, 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। 4, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। 5, राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ पूरी हो जाती है। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।